हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बताइए कि आप कैसे हैं? मैं तो अपने घर में बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं निकलूँगा स्कूल की तरफ थोड़ी देर में। और आज मम्मी की भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, बस मतलब उनको जुकाम जैसा और क्या है, उनके गले में खराश और की है और मेरे भी थोड़ी बहुत और की है। तो बस निकलता हूँ स्कूल की तरफ। लिया ले ले, बाय। चल ना। बाय। क्या बाय? घर जाना। अरे चल बेटा, दूध भी लाना है दुकान से। कह रहा था ना मम्मी को कि उनको बुखार आ रखा है तभी घर ही। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। और मेरा चेहरा देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी लग रहा होगा। दक्ष ने भी बताया आप लोगों को। तो अभी तो फिलहाल मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। मना कर रहा था मुझे, मत छोड़ने आओ, बट अपना मन नहीं मानता। और मुझे दुकान से दूध भी लेना था। और कल हमने जिस डॉग को बिस्कुट दिया था ना, उसको मैंने आज भी दिया था। तो आज पीछे पीछे घर तक आ गया, वो अभी तक गेट के बाहर ही था। देखने आ रही हूँ मैं उसको गया या नहीं यहाँ करके। हाँ, अभी थोड़ा सा आगे चले गया, वरना यहीं पर गेट के पास ही बैठा हुआ था। जानवर ऐसे ही तो होते हैं ना, उनको ज़रा से मैं प्यार हो जाता किसी से भी। तो खाने के लिए रोटी तो थी नहीं, बट मैंने उसको बिस्किट वगैरह दे दिया था खरीद के। और मैं दुकान से दूध लेके आई हूँ, दूध बॉइल कर रही हूँ और एक साइड में अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। मैंने वैसे दवाई तो नहीं खाई, क्योंकि कल से ही मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। एकदम से मैं दवाई खाती भी नहीं हूँ। तो ये काली मिर्च पाउडर और लेके आई मैं। तो बस वही शहद, अदरक, काली मिर्च पाउडर, काढ़ा वगैरह बना के मैं पी रही हूँ। उसी से मैं सोच रही हूँ आराम मिल जाए तो ठीक है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े मुझे। एकदम से दवाई खाना सही भी नहीं होता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी इंसान ने सीखना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी चाय पीऊँगी, घर के सब काम हो गए। बस मैंने पोछा नहीं लगाया है, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थकावट हो रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, टाइम भी था मेरे पास, बट मैंने लगाया नहीं। तो अभी अगर मन होगा तो गर्म पानी करके पोछा लगा लूँगी, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं भी लगाऊंगी। बट आज मैं नहाऊंगी नहीं, मैंने ऐसा सोचा है। चाय बन गई है, चाय डाल लेती हूँ मग में। नहाऊंगी नहीं इसीलिए ऐसा सोचा है क्योंकि तबीयत जो है थोड़ा सा डाउन ही है अभी। तो मैं सोचूं एक दिन का रेस्ट ले लेती हूँ ना नहाए हुए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। मैं सोचती ज़रूर हूँ जब भी बीमार होती हूँ कि मैं नहा नहाऊँ, तो चाहे मैं शाम को ही नहा लूँ तो मैं नहाती ज़रूर हूँ, क्योंकि अपने आप को ही फिर अजीब सा लगने लग जाता है बॉडी में। तो सोचा तो ऐसा ही है, बट देखते हैं कि होता क्या है, नहाना हो पाता है या नहीं हो पाता है। बट जहाँ तक है मैं नहा ही लूँगी दोपहर तक, और पोछा भी मैं गर्म पानी से ही लगाऊंगी। जब इतना काम कर ही लिया तो नहा के भगवान की पूजा करने में क्या ही जा रहा है, उतना भी कर ही सकते हैं। बट नहाना इसीलिए कह रही हूँ अवॉइड करने के लिए, क्योंकि नहा के ठंडा लगता है इंसान को, बॉडी का टेम्परेचर वैसे इतना हुआ है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, चाय पी लेती हूँ पहले तो मैं फटाफट से, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी जैसा भी होगा। अरे गले की खराश से ज़्यादा दिक्कत होती है, इसकी वजह से मैं कल रात को सो भी नहीं पाई अच्छे से। अभी मैं दुकान गई और मैं काली मिर्च दूध वगैरह लेके आई, बट मैं कोई बिस्किट नहीं लेके आई। अभी कुछ होता तो खा लेती ना चाय के साथ। तो चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, जैसी भी तबीयत होगी अपडेट देती रहूँगी। मित्रों ऐसा है, मैं तो अभी उठ रही हूँ बिस्तर से। मेरी शक्ल, मेरी आवाज़ सब कुछ बयान कर रही होगी मेरे बारे में। मैं अपनी आवाज़ भी अभी खुद ही सुन रही हूँ। शक्ल तो मैंने अभी फिर भी बाल थोड़ा थोड़ा ठीक करे, वरना आप लोग डर जाते इसको क्या हो गया मुझे देख के। तो चाय पी थी सुबह मैंने, लेटी थी मैं, नींद भी नहीं आई मुझे एक्चुअली। मैंने वो काढ़ा वगैरह बना के दो बार पिया। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, एक्चुअली मुझे गले में ही थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, इसलिए। तो फटाफट से एक कॉफ़ी बनाती हूँ, हो सका तो थोड़ा आप लोगों से बात करूँ। मैंने कई बार सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ करके, बट हिम्मत नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। लेटी थी मैं, फ़ोन भी नहीं चला रही थी, ब्लॉग भी मैंने अभी अभी अपलोड किया है अपना, बट ब्लॉग बनाना तो बहुत ज़रूरी है। घर की हालत ऐसे है कि घर में सफाई तो कर दी थी, पूछा लगा दिया था, बट मैंने नहाया नहीं आज, क्योंकि अगर मैं नहा लेती
तो हालत और ख़राब हो जाती है। ऊपर से मैंने हेयर वॉश भी करना था जो मैंने कई दिनों से करा नहीं है। कल का डे था मेरा, कल भी नहीं किया। कल भी तबीयत ऐसी होती है, आज ज़्यादा ख़राब हो गई। तो पहले कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए एक बार ना, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। मित्रों, कॉफ़ी बन गई है मेरी। कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी इसलिए बनाई क्योंकि मैंने सुबह एक बार चाय पी, दो बार मैंने काढ़ा पी लिया, और अदरक, काली मिर्च, शहद वगैरह वो सब भी मैंने बना के खा लिया। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना चाह रही थी इसलिए मैंने कॉफ़ी बना दी। और अदरक 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 इतना अदरक खा दिया मेरे अंदर ही, कहीं अदरक का पेड़ ना उग जाए कहीं, इतना अदरक खा दिया है। मतलब मैंने कल से आपको क्या बताऊँ, कद्दूकस करके उसको शहद में मिला के जैसे लाइक खाते हैं ना वैसे। बाप रे, गले में ऐसा हो रहा है जैसे, तो क्या बताऊँ, छिल गया होगा गला। मेरे को इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं दुकान, यहीं पर दुकान है कि मैं दुकान से एक बिस्किट्स वगैरह या कोई केक वगैरह ले आऊँ इसके साथ, जो कि मेरा मन कर रहा है खाने का। अदरवाइज़ तबीयत ख़राब होती है तो कुछ खाने का मन नहीं करता है। रोटी पड़ी है, सब्जी पड़ी है सुबह की, बट मैंने खाई नहीं है, मन नहीं कर रहा है। दक्ष के लिए भी रोटी बनाऊँगी जब वो आएगा तो। और ये कॉफ़ी पीती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ा सा। मेरे आधे से ज़्यादा व्लॉग तो ऐसे ही बन जाते हैं कि मैं बात ही करते रहती हूँ आप लोगों से, तो ठीक तो है। वैसे भी मैं घर के अपने, मेरे काम इतनी जल्दी हो जाते हैं कि मैं कब, मतलब अगर मैं वीडियो भी बनाऊं काम करने की तो मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं नहीं उठती। थोड़ा बॉडी को भी तो रेस्ट चाहिए, और जिस हिसाब से मैं उठती हूँ मैं अपने काम के अकॉर्डिंग के ही उठती हूँ। और अगर मैं उस टाइम पर मेरा काम हो जाता है, अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो उससे मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा, लेट लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बनाती ज़्यादा। नॉर्मल सी बात है, झाड़ू पोछा, ये बर्तन कपड़े, ये सबको पता है कैसे होता है घर के, इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें होती हैं वो मैं व्लॉग में आप लोगों को, जो मुझे ज़रूरी लगता है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब आई होप सो कि ये सब कुछ सही जल्दी हो जाए सब कुछ। मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है बेटे की कि उसके लिए मैं सब कैसे करूँगी। ऊपर से आज शाम को मुझे उसके प्रोजेक्ट का सामान भी लेने जाना है, साइंस एग्जीबिशन है उनके स्कूल में 3 तारीख को, तो उसका सारा सामान लेने के लिए भी मुझे जाना है। तभी वो अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, उसका वीडियो बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ जो भी वो बनाएगा। तो फिलहाल तो बैठी हूँ आराम से, कॉफ़ी पीती हूँ। जिस टाइम पे दक्ष आने वाला होगा उस टाइम पे उसके लिए रोटी बनाऊँगी, सब्जी है ही। अभी तो कल सुबह टिफ़िन में ले जाने के लिए सब्ज़ी भी नहीं है, कोई फ्रूट्स भी नहीं है। बाहर तो मुझे जाना ही होगा किसी भी हाल में। सिंगल लोगों के साथ ना यही तो दिक्कत होती है, तुम बीमार हो तुम सही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें सब काम करने के लिए उठना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो जैसा भी होगा आप लोगों को तो पता चलता ही रहेगा जो भी होगा, है ना। तो फिलहाल तो कॉफ़ी पीती हूँ, टेस्ट इसमें कुछ नहीं लग रहा है मुझे, ये है कि गर्म पानी पी रही हूँ। और हाँ, गर्म पानी भी मैंने इतना गर्म पानी पी दिया सुबह से, बहुत ही ज़्यादा, बॉटल में भरा था पूरी बॉटल खाली हो गई है। बॉटल के अलावा भी मैंने सुबह गर्म पानी पिया था। हाँ अच्छा, तो ठीक है मैं आप लोगों को एक किस्सा और सुनाती हूँ मेरे हस्बैंड का, जो मुझे भी याद आ गया है ये पानी से, गर्म पानी से। तो क्या होता था, जब भी वो कार्यक्रम में जाते थे तो मतलब जैसे उनका भी कभी गला बैठ जाता था ना, गले से याद आ रहा है, जैसे उनका गला बैठ जाता था कभी कभी वो कार्यक्रम में होते थे, जैसे उनका कार्यक्रम है 2-4 घंटे में, तो मुझसे बोलते थे फ़ोन करके, अरे यार पता है मेरा ना गला बैठ गया है, मेरा ना गला बैठ गया। सर्दियाँ वर्दियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ मुंशारी धार चूल्हा पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे प्रोग्राम में, ठीक है, तो गला बैठ ही जाता था ठंडे से। बल्कि वो इतनी केयर करते थे फिर भी, और गाना पड़ता है सिंगरों का तो बैठता ही है गला, तो मुझे बोलते थे कि यार मेरा ना गला बैठ जाता है, गला बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो मंच में जाते थे गाना गाने के लिए, अपनी प्रस्तुति देने के लिए, तो उनका गला एकदम से खुल जाता था। तो मुझसे बोलते थे कि अरे यार अब पता है, जब उनको लगने लगा कि मंच में जाते ही मेरा गला, सरस्वती माता की इतनी कृपा मतलब उन पर हो जाती थी कि उनका गला खुल जाता था, तो तब वो मुझसे कहते थे कि यार लेकिन प्रोग्राम के टाइम पे ना, गाने के टाइम पे ना मेरा गला खुल गया था, तो इतनी कृपा होती थी। तो अब जैसे दक्ष जाता है कार्यक्रम में, तो उसका भी गला, जैसे उसको ना वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा जब हम पहाड़ों वहाड़ों में जाते हैं, तो उसका भी गला बैठ जाता है। तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि गर्म, जो पापा करते थे, गर्म पानी से गरारा करो, अदरक का पानी पियो, और देखना मंच में जाते ही सरस्वती माता की कृपा होगी कि आपका गला खुल जाएगा। पापा का भी ऐसे ही होता था, ये चीज़ें मैं उसको बताती हूँ दक्ष को, तो और होता सेम टू सेम यही है। और गर्म पानी से ये भी याद आ रहा है कि जब वो यहाँ से कार्यक्रम में जाते थे तो मेरे से बोलते थे मेरे लिए बॉटल में अदरक का पानी बना के रख देना, लाइक
अदरक का अदरक को कूट के सिर्फ अदरक पकाना है पानी में और वो बना के उनके लिए रख देना। और जिस टाइम पे मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे भी वो लोग वो क्या करते थे, बाहर नहीं खाते थे तो रोटी ले, मैं बहुत सारी रोटियां बना के दे देती थी, बाहर होटल में नहीं खाते थे तो बाजार से कहीं से दही खरीद लेते थे, दही रोटी ही खाते थे और अदरक का पानी पीते थे बहुत ज़्यादा। अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं भी वही पी रही हूँ बहुत ही, बट मैं थोड़ी सी चीनी उसमें डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पी सकती, बट वो बिना चीनी के ही पी लेते थे। तो यही सब होता था। अभी हमारे कार्यक्रम्स वगैरह भी होने वाले हैं, प्रोग्राम होने वाले हैं, बागेश्वर भी होगा शायद जहाँ तक है, बट कहीं भी कंफर्म नहीं है। जहाँ भी होगा आपको हम लोग पहले ही बता देंगे, जिस भी एरिया में होगा वहाँ के जितने भी लोग होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो आना चाहेंगे वो आएंगे, पहले ही आप लोगों को मैं बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी मतलब मैसेज दे दूंगी वीडियो के ज़रिए। बहुत बातें हो गई हैं, फ़िलहाल मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। मेरी खिड़की से सीधा धूप आ रही है अंदर यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। देखो ठीक सूरज दिख रहा है सामने, यहीं पे धूप सेक लेती हूँ थोड़ा सा। फ्रेंड्स मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और मैंने खाना भी खा लिया, और स्कूल से आ चुका हूँ, मैंने खाना भी खा लिया और मैं साथ में रेडी भी हो चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ बाहर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लेना है, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट का सामान लेना है, डीसी बैटरी, वायर, एलईडी लाइट्स वगैरह वगैरह प्रोजेक्ट ले, क्योंकि विंडमिल बना रहा हूँ तभी उसके लिए तो कंपलसरी है सब, तो अभी बस नहीं। और मैंने ट्यूशन की भी छुट्टी कर ली है क्योंकि मुझे सामान लेने जाना था, तभी आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, आज आराम से जाऊँगा लेने वगैरह वगैरह जो जो है, क्योंकि बहुत हैं। अरे हाँ प्रोजेक्ट बनाना भी है क्योंकि कम दिन बचे, ये सब सामान चिपक जाएगा ना, ये सब सामान। घर आ गए हम लोग दक्ष का सारा सामान लेके, ये ग्लू और ये है बैटरी, मोटर, स्विच, वायर, कार्डबोर्ड, ये सब कुछ लेके आ गए। मैंने सर में बहुत सारा ऑयल लगा लिया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं रात में नहा लेती हूँ, हेयर वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद सीधे मैं बेड में चली जाऊँगी रजाई में कहाँ खाना वाना करने के बाद। तो अभी तो सब्जियाँ लेके आई हूँ वो सब धो धा के रखती हूँ, फ्रूट्स लेके आई हूँ वो भी सब धो के रखती हूँ फ्रिज में। दक्ष अपना स्कूल का वर्क कर रहा है, फिर प्रोजेक्ट का वर्क भी स्टार्ट करेगा, तब तक मैं अपने जो किचन के काम हैं खाने के रात के वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक 5:30 हो गया है, अंधेरा हो रहा है बाहर। तो ये क्या कह रहा है कुछ आपको एक चीज़ दिखाओ, बस रहने दे खत्म हो जाएगी बैटरी ऐसी। हाँ। ये तो ऐसे करते रहेगा, तू पहले मैथ का वर्क कर ले फिर बनाएंगे इसको। तो किचन की तरफ जाती हूँ बिना नहाए, चैन ऑन कर लो बेटा, चैन तो आ नहीं रहा था। कल सुबह दक्ष के लिए टिफिन में जाएगा पालक पनीर, और इसके फ्रेंड के लिए भी भेजूंगी मैं, मैंने उसको भी बता दिया है, अभी उसको फ़ोन कर रहा था, ये वीडियो कॉल में बात कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं काम अपना, दवाई भी लेके आई हूँ मैं अपनी अपनी, जैसा भी होता है। यहाँ पर दक्ष की सारी प्रिपरेशन चल रही है, कार्डबोर्ड है वो सब सामान है, काट रहा है अभी कैंच से। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने क्या बना रखा है, ये मैंने वायर कनेक्ट करके की ये कनेक्ट, ये मतलब हो सके, ये एक फैन बनेगा, इसमें फैन की पंख जैसी लगेंगी। हाँ। ऐसी छोटी छोटी। अभी ये मेरे पास सुपर ग्लू नहीं है तो तभी नहीं चिपका पा रहा हूँ ये। और यहाँ पर कनेक्टर है, यहाँ स्विच का कुछ काम नहीं लग रहा मुझे, बल्ब लगेगा उसमें भी। अरे हाँ बल्ब में ही, उसमें तो वीडियो में देखा ना मैंने, तो उसमें तो ऐसे ही दिखा था मैंने बल्ब, ये स्विच ऑफ भी कर रहा हूँ तब भी हो रहा है, कुछ तो देखना पड़ेगा अभी। हाँ आइडिया है मेरे पास, उम्मीद देखो इसमें चिपकाना पड़ेगा इसको, ये बाद में अंदर फिट होगा ना जब हाउस बनेगा। हाँ ये मतलब स्विच पता नहीं अंदर फिट होगा, और ये आएगा लेकिन यहाँ पर, हाँ यहाँ चिप, ये भी चिपकेगा लेकिन वैसे वैसे नहीं आएगा। चलो व्लॉग तो एंड कर दो फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा बाकी तो, का कल बनाऊंगा तो आपको लाइक करना है, खत्म हो जाएगी बैटरी ऐसे ही, शेयर करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक ले गुड बाय।